नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपने इस वीडियो में रवा उपमा बनाने की विधि बताई है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम रवा उपमा बनाएंगे। रवा यानी कि सूजी, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है और इसे मैंने छलनी में से, आटे वाली छलनी में से अच्छी तरह से छान लिया है। और आप चाहें तो मोटी वाली सूजी भी ली जा सकती है रवा उपमा बनाने के लिए। ये 2 टेबलस्पून सूजी ली है मैंने बारीक वाली और इसमें पानी लिया है मैंने इसका 3 गुना। ये सादा पानी है। 2 टेबलस्पून सूजी में डालने के लिए मैंने 6 टेबलस्पून पानी लिया है और तेल लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून। तेल भी ज्यादा ही डलता है, आप चाहें तो तेल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल इसमें नहीं डलेगा। ये रिफाइंड तेल लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून और इसमें सब्जियां डलेंगी। मैंने मटर लिया है, अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और मटर, हरी मटर है ये मैंने थोड़ी सी ली है, 1.5 टेबलस्पून ही होगी। और ये 1 छोटा आलू लिया है इसमें डालने के लिए, इसे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। और 1 गाजर ली है, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे इसमें डालने के लिए, क्योंकि गाजर थोड़ा देर में गलता है इसलिए इसे कद्दूकस कर लेंगे हम। और तड़का लगाने के लिए हमने ये राई के थोड़े से दाने लिए हैं 1/2 टीस्पून और ये थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है मैंने और 1 छोटा प्याज लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे हम सब्जी का बनाते समय तड़का लगाते हैं वैसे ही इस प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये अदरक ली है, अदरक को भी हम कद्दूकस कर लेंगे छिलका हटाने के बाद। और ये नमक लिया है स्वाद अनुसार, सादा नमक है ये इसमें डालने के लिए। हरी मिर्च ली है, तीखी हरी मिर्च है, ये 3 हरी मिर्च ली है। आप हरी मिर्च ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब हम ये रवा उपमा बना लेते हैं गैस पर। गैस पर बनाने से पहले हमने प्याज, आलू और हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और गाजर और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। हरी मटर के दाने हमने पहले ही निकाल लिए थे। रवा उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे। ये 2 टेबलस्पून सूजी है और गैस को मैंने स्लो ही कर रखा है, इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए हम भूनेंगे और इसे ज्यादा देर तक हम नहीं भूनेंगे। जैसे ही ये इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी और ये थोड़ा ब्राउन होने लगेगी, बस शुरू ही होगी थोड़ा ब्राउन होना, तभी हम गैस बंद कर देंगे। सूजी भून गई है और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। उपमा बनाने के लिए सूजी को ज्यादा देर तक नहीं भूना जाता। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। उपमा बनाने के लिए 2 टेबलस्पून सूजी हमने भून ली है। 2 टेबलस्पून सूजी के लिए हम 1.5 टेबलस्पून तेल ले रहे हैं। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाएगा फिर हम राई के दाने डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले राई के दाने डाल देंगे। राई के दाने तड़क जाने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देने के बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे जो छोटे टुकड़ों में हमने काट रखी है। अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च और इसी में ही हम ये गाजर डाल देंगे जो कद्दूकस कर रखा है हमने और इसे भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। भून लेते हैं अब हम इन्हें। तेल इसमें थोड़ा ज्यादा ही डलता है। 2 टेबलस्पून सूजी के लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून तेल डाला है और प्याज ब्राउन हो गया है, सब्जियां भी थोड़ी सी भून गई हैं, गाजर भून गया है, हरी मिर्च और ये सब भून गई हैं। अब इतना भून जाने के बाद जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगे फिर हम ये मटर डाल देंगे, मटर के दाने डाल देंगे और आलू डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इस टाइम पे आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और इसमें पानी डाल देंगे हम 3 गुना। अब हम इन्हें तब तक उबालेंगे जब तक कि ये सब्जियां गल नहीं जाती। स्लो गैस पर पकते हुए सब्जियों को 10 मिनट हो गए हैं। हम सब्जी चेक करेंगे,
आलू गल गए हैं और मटर भी गल गए हैं। अब हम जब सब्जियां गल जाए उसके बाद हम ये सूजी डाल देंगे, जो सूजी हमने भूनी थी वही डाल देंगे और इसे हलवे की तरह गैस को अब हम मीडियम कर देंगे। सूजी डालते समय हम गैस को स्लो रखेंगे और अब हम मीडियम कर देंगे इसे। मीडियम गैस पर हम हलवे की तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब हमारी उपमा बनकर तैयार हो जाएगी। आप नमक चख सकते हैं, अगर कम हो तो इस टाइम पे डाला जा सकता है। ये उछटता है, उछलती है ये, तो आप अपना बचाव करते हुए इसे चलाएं। इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ठंडे होने पर ये और गाढ़ी हो जाती है। बस इतना ही पतला रखेंगे हम इसे। गैस को हम बंद कर देंगे और ये उपमा बनकर तैयार हो गया है खाने के लिए। आप इसे घी, चटनी या दही के साथ खा सकते हैं।